नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक एंड यू आर वाचिंग सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। ब्रेकिंग न्यूज, हाँ दोस्तों, ये एक ब्रेकिंग न्यूज ही है। जीएसटी 9A एंड 9C में बी कैंसल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। मगर इतना बड़ा न्यूज आया कहाँ पे? अगर ये सच्चाई है, अगर इस न्यूज में कुछ भी सच्चाई है, तो ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा बिग रिलीफ है, क्योंकि ये लोग छोटे व्यापारी टैक्स पेयर्स GST 9 से काफी परेशान है। एक्चुअली CNBC आवाज कुछ घंटों पहले एक ट्विटर चैनल पे यह मैसेज भेजा है कि GST काउंसिल में कैंसिल फाइलिंग ऑफ GST एनुअल रिटर्न, GST 9, GST 9A एंड GST रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट GST 9C फॉर टैक्सपेयर्स हैविंग टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। इसका मतलब क्या हो गया कि टैक्सपेयर्स जिन टैक्सपेयर्स का टर्नओवर 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम है, उनका जीएसटी एनुअल रिटर्न GST 9, GST 9A एंड GST रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट GST 9C कैंसिल हो सकता है। मगर GST काउंसिल से इस तरह का कोई खबर अभी आया नहीं है। ये CNBC आवाज का कोई सोर्स है जिसके वजह से वह ये ट्विटर में मैसेज किया है। एक्चुअली जो नेक्स्ट GST काउंसिल मीटिंग है वो 20 सितंबर को है, तभी इसका सच्चाई पता चलेगा कि ये जो न्यूज आया है इसमें ये सच है कि सच नहीं है। अगर ये सच है तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा दोस्तों, मगर मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि अपना प्रिपरेशन करके रखिए। अगर 20 सितंबर को GST काउंसिल में ये फैसला होता है, मीटिंग में ये फैसला होता है कि हाँ चलिए ठीक है, ये इस बात में सच्चाई है, 5 करोड़ टर्नओवर से कम, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो GST 9, 9A और 9C आपको भरना नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। मगर इस तरह का कोई फैसला नहीं आया तो आपको तो भरना पड़ेगा दोस्तों, तो अपना प्रिपरेशन करके रखिए, सब कुछ तैयारी करके रखिए। हाँ, भले ही आप लोग सोच सकते कि नहीं फाइल अभी नहीं करेंगे, 20 तारीख तक वेट कर लेते हैं, 20 सितंबर ही तो है, हाँ ठीक है वो वेट कर सकते हैं, मगर प्रिपरेशन बंद मत कीजिए। जहाँ जहाँ कहीं परेशानी है उसके बारे में सोचिए। और मैं तो एक सीरीज में तैयार कर ही चुका हूँ, पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुका हूँ GST 9 के बारे में, और भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेट कीजिए 20 तारीख तक कि कितना सच्चाई है इस खबर में। तब तक कोई भी फैसला मत कीजिए, वेट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।